अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आपके साथ यही वीडियो लेके आई हूँ, स्लेट पेंसिल और ये मिट्टी के जो ये हैं ग्लासेस कह लीजिए, यानी आप कुछ भी कह लीजिए, इनकी वीडियो है ये। इन्हें मैंने पानी में भिगोकर भी अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, 24 घंटे बाद भी ये ऐसे ही रहे थे, बिल्कुल ठस से मस नहीं हुई थी ना, ये स्लेट पेंसिल में कुछ हुआ था, सब ऐसे ही क्रंच कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हुए थे। और अब जब ये यहाँ डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं तो हमारे पेट में इसका क्या होने वाला है? ये बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होते हैं और हमारे आंतों को में जो है ज़ख्म कर देते हैं, यानी कि घाव कर देते हैं। और जब इसे जब खाते हैं और ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनका ये जाते हैं ना, तो फिर आंतों को मतलब नुकसान पहुँचाते हुए जाते हैं। इससे हमारा मतलब जो हमारा रूटीन है बिल्कुल बॉडी का जो अंदर का वो सारा बिगड़ जाता है। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो है एक बहुत अच्छी बात शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी एक वीडियो देखकर मेरे एक किसी मेरी रिलेटिव हैं वो रिलेशन में, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बचपन में ये सब चीज़ बहुत खाती थी। मतलब ये जैसे हो गई ये मिट्टी हो गए, मिट्टी के जो कच्ची मिट्टी के होते हैं ये, और ये स्लेट पेंसिल्स वो बहुत खाती थी। वो मुझसे बोल रही थी कि वो लोग उस टाइम पर मतलब बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो वो जब स्कूल कॉलेज लाइफ में होंगी स्कूलिंग में, तब वो बता रही थी कि हम लोग इसे मिट्टी के चूल्हे होते थे पहले ज़माने में, तो वो चूल्हों के नीचे इन लोग इसको दबा देते थे, और फिर उसके बाद वो जो है मतलब इसको निकाल लेते थे और फिर ये सब वो लेके जाती थी स्कूल में। वो कहती थी कि बुक से ज़्यादा मेरे पास ये होती थी, और फिर हम लोग बोल रही एक रूम में बैठ जाते थे, तो मेरी सारी उनकी जो सारी फ्रेंड्स थी वो थोड़ा 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 टुकड़ा करके इतना खाती थी रोज़, वो कुछ नहीं बस उनको यही पसंद था, वो यही चीज़ खाती थी। लेकिन जब उन्होंने थोड़े दिन बाद मतलब उनकी आफ्टर मैरिज, और उन्होंने जब देखा रियलाइज़ किया, तो फिर उन्होंने खाना तो छोड़ दी, मतलब खा ही रही थी वो फिर भी, लेकिन जब उन्हें एकदम पेट में दर्द हुआ, उनके पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने चेकअप कराया, तो उनके पेट में इतना बड़ा सा ट्यूमर था, इतना बड़ा ट्यूमर था कि बस सब कुछ कह मतलब काफ़ी बड़ा सा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। और वो जो था पूरा इतना बड़ा ट्यूमर, वो जो था तो पूरा मिट्टी से कवर था, पूरा जो था मिट्टी से कवर हो चुका था, वो ऐसा था लथपथ जैसे कीचड़ों में लथपथ कोई चीज़ जैसे। और उसमें वो बता रही थी जब वो उन्होंने ये देखा ट्यूमर, तो उसमें मतलब छोटे छोटे से पेड़ तक निकल रहे थे उसके अंदर, इतने इतने मतलब कोई चीज़ फूट सी रही थी, जैसे कि अंकुर टाइप की कोई चीज़ अंकुर से फूटे हुए थे उसके अंदर। आप सोचिए वो अंकुर किस चीज़ के होंगे, जो हम खाना खाते हैं और सीड्स जो हम लोग खाते हैं, किसी चीज़ का कोई सीड अंदर चला गया हमारे, अब वो उसको जो है सीड को एक प्रॉपर मिट्टी मिल गई वहाँ पर, अब उसमें उसने पानी तो मिल ही रहा है, मिट्टी मिल गई, अब वो अंकुर फूट गया है। अब वो इतना वो हो गया था बड़ा, उसमें अंकुर इतने अंकुर थे काफ़ी पूरा बड़ा सा था, वो उन्हें इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि उन्होंने फिर जब ऑपरेट करके डॉक्टर निकाला, डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब क्या है ये, तो तब उन डॉक्टर ने पूछा कि आप मिट्टी वगैरह खाती थी, उन्होंने कहा हाँ मैं मिट्टी खाती थी, तब उससे ही उन्हें ये हुआ है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उनका एक इंटरव्यू लेके आपको मैं दिखाऊंगी, और अगर वो मुझे एग्री हो जाएंगी कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं आपको उनका इंटरव्यू लेके बताऊंगी। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये कि ये मेरी मतलब उन्होंने मुझे बताया है ये बात, और तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इससे इतना नुकसान हुआ है उन्हें खाने से, और वो इतना कम से कम उनका जो था वो काफ़ी बड़ा सा, एक जैसे बेबी होता है ना, बेबी से बस थोड़ा ही छोटा, और उनका इतना बड़ा सा ट्यूमर उनके पेट में हो गया था। बस बहुत ही ज़्यादा परेशान थी वो, पेट में चला नहीं जा रहा था, उनसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये उन्हें ऐसा हो गया था। फिर उन्होंने उसके बाद से वो खाना बंद कर दी उन्होंने, तो वो अब भी वो यही बात बता कह रही थी कि नहीं खाना चाहिए, वो अब दूसरों को बताती हैं कि वो नहीं ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरा मतलब बताने का था आपको कि ये सब चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बिल्कुल बेकार चीज़ है ये, कुछ नहीं होता ऐसे खाने से। अगर आपको खाने हैं फ्रूट्स खाइए, अगर आपके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको मेडिसिन दे देगा डॉक्टर, तो आप उसे मेडिसिन को लीजिए अपनी, और इसे जो है बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए खाने के लिए। छोड़ना है तो छोड़ना है, एक अपना माइंड बना लीजिए कि हमें छोड़ना है, तो आप छोड़ दोगे,
बस ये है कि हाँ थोड़ा सा अंदर से लगता है, लेकिन आप छोड़ देंगे इसे खाना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।